हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर हिंदी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे गर्भावस्था के दौरान गैस की समस्या से कैसे निपटें। तो मैं आपको इस जानकारी को बताने से पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल हेल्थ केयर हिंदी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए अनेक प्रकार के टिप्स लेकर आते हैं जिनको जानकर आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो गर्भावस्था के दौरान गैस की समस्या से कैसे निपटें। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में काफी परिवर्तन होते हैं और उनसे जुड़ी कुछ परेशानियां भी महिलाओं को हो जाती हैं। ऐसी ही एक समस्या महिलाओं के पेट में गैस बनने की है। गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के पेट में गैस की समस्या के उत्पन्न होने का मुख्य कारण उनके शरीर के प्रोजेस्टेरोन के लेवल का बढ़ना है। महिलाओं को पेट में गैस की समस्या उनके शरीर के पाचन तंत्र के ठीक ढंग से कार्य न कर पाने के कारण भी हो जाती है। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से महिलाओं को पेट में गैस की समस्या हो जाती है। तो पहले हम गर्भवती महिला के पेट में गैस की बीमारी के होने के कारणों के बारे में जान लेते हैं। कारणों को जानने के बाद हम इस समस्या से निजात पाने के लिए किन किन आयुर्वेदिक उपचारों का प्रयोग कर सकते हैं यह जानेंगे। गर्भवती महिला के पेट में गैस की समस्या होने के कारण, तो पहला कारण है गर्भवती महिलाओं को पेट में गैस की समस्या उनके शरीर में निरंतर होने वाले परिवर्तन के कारण हो सकती है। दूसरा कारण है गर्भावस्था के दौरान भोजन में परिवर्तन करने से भी महिला को पेट में गैस की यह परेशानी हो सकती है। तीसरा कारण है गर्भवती महिला के शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ने से महिला के पेट की आंत ढीली पड़ जाती है, जिससे महिला के द्वारा किसी भी प्रकार के भोजन का सेवन करने पर भोजन पूरी तरह से पच नहीं पाता है और महिला के पेट में गैस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। गर्भवती महिला के पेट में गैस की समस्या होने का चौथा कारण है गर्भावस्था के दौरान महिला के पेट में गैस की समस्या अधिक तेल या मसाले से बने पदार्थों का सेवन करने से भी हो जाती है। गर्भवती महिला के पेट में गैस की समस्या होने का पांचवा कारण है अगर गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के द्वारा कम पानी का सेवन करना भी पेट में गैस बनने का एक कारण हो सकता है। तो गर्भवती महिला के पेट में गैस की समस्या होने का छठवां कारण है पेट पूरी तरह से साफ ना होने के कारण भी कई बार गर्भवती महिला को कब्ज की शिकायत हो जाती है। पेट के साफ ना होने पर पेट में अपशिष्ट पदार्थ जमने लगता है, जिससे महिलाओं को कब्ज की परेशानी हो जाती है। तो गर्भवती महिला के पेट में गैस की समस्या होने का सातवां कारण है अनियमित समय पर भोजन करने के कारण भी गर्भवती महिला को पेट में गैस की समस्या उत्पन्न हो सकती है। गर्भावस्था के दौरान महिला को गैस की समस्या होने के लक्षण, तो पहला लक्षण है गर्भवती महिला के पेट में कब्ज होने के कारण उसके सिर में हमेशा दर्द रहता है।
तो गर्भावस्था के दौरान महिला को गैस की समस्या होने के लक्षण हैं। तो दूसरा लक्षण है, गैस की समस्या के होने पर महिला को अपने शरीर में कमजोरी महसूस होने लगती है। गर्भावस्था के दौरान महिला को गैस की समस्या होने के लक्षणों में से अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ तीसरा लक्षण, पेट में कब्ज की समस्या के होने पर महिला द्वारा खाया गया भोजन पूरी तरह से पच नहीं पाता है, जिससे उसे कई बार उल्टियाँ होने की शिकायत भी हो जाती हैं। तो गर्भावस्था के दौरान महिला को गैस की समस्या होने के लक्षणों में से अब चौथा लक्षण है, पेट में गैस की परेशानी के होने पर गर्भवती महिला को मल त्याग करने में परेशानी होती है। तो गर्भावस्था के दौरान महिला को गैस की समस्या होने के लक्षणों में अब मैं बताने जा रहा हूँ पांचवा लक्षण, पेट में गैस होने पर महिला के पेट में दर्द की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। गर्भवती महिला के पेट की गैस समस्या को दूर करने के आयुर्वेदिक उपचार। टिप नंबर 1, गर्भवती महिला अपने पेट की गैस की समस्या से राहत पाने के लिए सलाद का उपयोग कर सकती हैं। सलाद को बनाने के लिए ककड़ी, गाजर, मूली तथा पालक की कुछ पत्तियां लें, एक नींबू लें और उसे काटकर अब नींबू का रस कटे हुए सलाद के ऊपर निचोड़ें और उसमें थोड़ा सा नमक डालें। अब इस सलाद का सेवन करें। टिप नंबर 2, फालसे के रस का, नींबू के रस का सेवन, मिश्री के दानों तथा सेना नमक का भी प्रयोग कर सकती हैं। तो अब हम जानते हैं कि फालसे के रस का, नींबू के रस का तथा मिश्री के दानों का तथा सेंधा नमक के प्रयोग से कैसे गर्भवती महिला के पेट की गैस की समस्या दूर हो सकती है। तो 400 ग्राम फालसे का रस लें और उसमें एक नींबू का रस निचोड़ दें। अब इस रस में काला नमक और मिश्री के दानों को डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस रस का सेवन करें, आपको गैस की समस्या से राहत मिलेगी। टिप नंबर 3, सेंधा नमक व चीनी का प्रयोग कर सकती हैं। 40 ग्राम सेंधा नमक लें और 80 ग्राम चीनी लें। अब इन दोनों को मिलाकर अच्छी तरह से पीस लें। पीसने के बाद इन दोनों के मिश्रण का सेवन करें। रोजाना इस मिश्रण का सेवन करने से गर्भवती महिला को अपने पेट के गैस की समस्या से जल्द ही मुक्ति मिल जाएगी। गर्भवती महिला के पेट की गैस समस्या को दूर करने के आयुर्वेदिक उपचारों में से अब मेरी टिप नंबर 4 है, काले नमक, सौंफ तथा नींबू के रस का सेवन कर सकती हैं। एक गिलास पानी लें और उसमें नींबू का रस निचोड़ लें। अब इस पानी में थोड़ा सा सौंफ का चूर डालें। इसके बाद थोड़ा काला नमक डालें और पानी में घोल लें। अब इस पानी का सेवन करें। इस पानी का सेवन करने से महिलाओं की गैस की परेशानी खत्म हो जाएगी। टिप नंबर 5, आंवले के मुरब्बे का भी प्रयोग कर सकती हैं। इसके लिए एक आंवले का मुरब्बा खाएं और उसके ऊपर से एक गिलास गुनगुना दूध पी लें। रोजाना दिन में 2 बार आंवले के मुरब्बे को खाने के बाद दूध का सेवन करने से महिलाओं को गैस की परेशानी से जल्द ही राहत मिल जाएगी। गर्भवती महिला के पेट की गैस समस्या को दूर करने के आयुर्वेदिक उपचारों में से अब मेरी टिप नंबर 6 है, आइए जानते हैं, अजवाइन के चूर्ण का तथा काले नमक का भी उपयोग कर सकती हैं। आधा चम्मच अजवाइन में
एक चुटकी काला नमक मिला लें। अब इस चूर्ण का सेवन खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद करें, आपको आराम मिलेगा। अजवाइन के चूर्ण को खाने से अगर किसी महिला के पेट में दर्द हो रहा हो तो वह भी ठीक हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक के बटन पर क्लिक करना ना भूलें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इस वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।